फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ना, यही क्वेश्चन सबसे पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, strcmp, strcpy, strlen, strcat, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडनेकर एग्जाम्पल ले लो, आदित्य पेडनेकर का बर्थडे है और आदित्य पेडनेकर के बर्थडे में आपको उसने इनवाइट किया है, आपको क्या करना है, आदित्य के बर्थडे में जाना है, वहां पे एक केक रखा होगा, केक के ऊपर ढेर सारी मोमबत्ती होगी, आदित्य क्या करेगा, मोमबत्ती को फूक मारेगा, आप ताली बजाएंगे, हैप्पी बर्थडे का गाना गाएंगे, फिर एक प्लेट में आदित्य आपको चिवड़ा देगा, वेफर देगा और लाड़ू देगा, आ रहा है समझ में। तो ये होने के बाद में आप आपके घर पे चले जाओगे। तो ये सेट ऑफ एक्शन हमने किया, ये बर्थडे एक फंक्शन है, तो ये सेट ऑफ एक्शन हमने किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थडे का फंक्शन, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, बर्थडे का फंक्शन। बट प्रोग्रामिंग के फंक्शन का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग का फंक्शन मतलब सेट ऑफ टास्क जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं उसका एक फंक्शन बना दो ताकि उतना कोड आपको वापस लिखना ना पड़े। तो अब आदित्य का जो बर्थडे का था इवेंट, उसमें क्या था, एक केक रहेगा, केक के ऊपर मोमबत्ती रहेगा, आदित्य मोमबत्ती को फूक मारेगा, फूक मारने के बाद में क्या होगा, आप वो केक काटेगा, आप बर्थडे का गाना गाओगे ताली बजा के, आदित्य एक प्लेट में आपको चिवड़ा लाडू दे देगा, समझ में आ रहा है क्या। अब यही सेम ये कोड मैंने लिख के रखा है, अभी मान के चलो हमारे पास में और कौन है, और हमारे पास में कौन है, नाम नाम नाम, अभी हमारे पास में आयुष है, आयुष का बर्थडे आया, तो ये सेट ऑफ कोड आयुष के बर्थडे के लिए वापस से मैं यूज करूंगा, वैसा ही सेट ऑफ कोड मैं किसी और, जैसे कि मान के चलो साहस है हमारे पास में, साहस के बर्थडे में यूज करेंगे। आपको बताना ये चाहता हूं, फंक्शन के अंदर हम वो चीज लिख देंगे जो हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, जिसको लिखने से हमारे कोड ऑफ लाइन बढ़ जाएंगे, वो ना करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं। बेटा आयुष एग्जाम्पल दे रहा हूं, ओके ओके, चलो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन, तो फंक्शन मतलब क्या है, कुछ सेट ऑफ एक्शंस रहते हैं जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब फंक्शन दो टाइप का है, एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, एक तो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। फंक्शन दो कैटेगरी के आते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन जो सी में पहले से बना हुआ है, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम खुद बनाते हैं। तो सबसे पहला मैं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन आपको बताने वाला हूं, वो प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर हमारे यहाँ पे सामने strcmp, strcpy, strlen और strcat, ये स्ट्रिंग के फंक्शन है, एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से समझिएगा। अब यहां पे हमारे पास में सबसे पहला फंक्शन है strlen, strlen हमको लेंथ कैलकुलेट करने में मदद करता है दोस्तों, len का मतलब क्या होता है, लेंथ, len का मतलब क्या होता है, लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ। तो यहां पे दोस्तों हैश इंक्लूड stdio.h, आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा अगर स्ट्रिंग फंक्शंस को चलाना है, स्ट्रिंग फंक्शंस को अगर चलाना है तो कौन सा हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड string.h, हैश इंक्लूड string.h। तो फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करो string.h, कम ऑन बी फास्ट एंड बी क्विक, टाइप करो हैश इंक्लूड string.h, फटाफट टाइप करो हैश इंक्लूड string.h। तो ये इंक्लूड कर लिया, अभी देखिए यहाँ पे मेन के अंदर मैंने एक कैर, एक अल्फाबेट नाम का एरे डिक्लेयर किया, और ये अल्फाबेट में डबल कोट्स के अंदर A to Z मैंने वैल्यूज डाल दिए, ये एरे का साइज मैंने ब्लैंक रखा है, तो इसका मतलब क्या, ये गिनेगा ABCDEFG ऐसा Z तक कितना है, 26 हो जाता है, तो इसका साइज है 26, अपने आप ले लेगा क्योंकि इसके अंदर मैंने 26 वैल्यूज को डाला हुआ है। ऑफलाइन क्लासेस कल्याण ला आहे, ऑफलाइन क्लासेस कल्याण ला आहे मित्रांनो, कल्याण मध्ये स्टेशनच्या बाजूला आहे, 2 to 3 मिनिट्स वॉकिंग डिस्टन्स वरती आहे, सेकंड इयरची ऍडमिशन्स ऑलरेडी चालू झालेले आहेत, सेकंड इयरच्या बॅचला पटकन ऍडमिशन घ्या, सीट्स लवकरात लवकर फुल होऊन जातात ऑफलाईनचे, ऑनलाईनसाठी आत्ता जर ऍडमिशन घेतलं तर 7999 ला तुम्हाला उमंग म्हणजे सेकंड इयर सेमिस्टर 3 प्लस सेमिस्टर 4 भेटेल, सेम 3 सेम 4 दोन्ही 7999 मध्ये तुम्हाला भेटणार आहे, ओके क्लियर आहे का सगळ्यांना। आपको मैं बता दू, ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं,
बैच फॉर वन ईयर ओनली एट 7,999 रुपीस में आपको ये मिलेगा, ये जो कोर्स है वो। एंड इसमें सेमिस्टर थ्री और सेमिस्टर फोर दोनों चीजें आपकी कवर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में यहाँ पे स्टूडेंट है जीवक जाधव, स्टूडेंट है जीवक जाधव, इसको चार एटी केटी था वी टू वी लगाने से पहले, वी टू वी लगाने के बाद में सारे केटी को क्लियर किया और 70% लाया इसने। इसके बाद में हमारे पास में ये चार एटी केटी मिला था आलोक पाटिल, इसने चारों एटी केटी क्लियर करके 81% लाया है फ्रेंड्स, 81% आप देख सकते हो। ये 81% नहीं, ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए था। आलोक पाटिल का बता दूं, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा तैयारी किया इसने, तैयारी करने के बाद में ये क्या हो गया ना फ्रेंड्स, इसको मतलब कुछ तबियत खराब हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और एडमिट करने के बाद में फिर बेसिकली क्या हो गया कि उसने कॉलेज मतलब एडमिट था, उधर से डिस्चार्ज होकर कॉलेज में जाता था, एग्जाम लिखता था, वापस एडमिट हो जाता था। इस तरीके से इसने क्लियर करके 81% लाया है। तूबा 880 से 84% लाया है। काव्य पाटिल चार, काव्य अरसुले चार एटी केटी क्लियर करके 83% लाया है। तीन एटी केटी क्लियर करके 85% लाया है। दो एटी केटी क्लियर करके 87.30 कॉलेज में सेकेंड आया है लड़का। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में तो ज्वाइन करें वी टू वी, ऑफलाइन ऑनलाइन एडमिशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो कि है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग फंक्शंस का मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात कर रहा था फंक्शन का। तो देखिए अभी यहाँ पे ध्यान से, कैर के अंदर अल्फाबेट लिखा हुआ है हमने, सबसे पहला स्ट्रिंग डॉट एच हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज करने के लिए। अल्फाबेट नाम का एक एरे बनाया, उसके अंदर 26 अल्फाबेट्स मैंने लिखे हुए हैं, और यहाँ पे देखो पर्सन डी लिखा और एसटीआर एलियन, और उसके अंदर ये अल्फाबेट को पास कर दिया। अब जब अल्फाबेट को पास करेंगे तो इसका लेंथ कितना है 26 का, तो ये हमको रिटर्न क्या करेगा 26। तो आपका जो वर्ड है, आपका जो शब्द है, इसमें कितने अल्फाबेट है, इसको इसका लेंथ को कैलकुलेट करके देता है एसटीआर एलियन। तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा एसटीआर एलियन, तो आपको एक छोटा सा प्रोग्राम इस तरीके से लिख के दिखाना है। एसटीआर एलियन के अंदर अगर आप जो भी टेक्स्ट पास करते हो, वो टेक्स्ट के अंदर कितने अल्फाबेट इस्तेमाल हुए हैं, वो आपको बताए जाएंगे। तो एसटीआर एलियन समझ में आया है तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करो एसटीआर एलियन, प्लीज टाइप करो एसटीआर एलियन इन द चैट बॉक्स। ए ऐसा नहीं भाई, ऐसा लिखो एसटीआर एलियन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फंक्शन के आगे हमेशा ये ऐसा ब्रैकेट लगता ही लगता है, क्योंकि फंक्शन को कुछ ना कुछ पैरामीटर देना पड़ता है तभी फंक्शन काम करता है। एसटीआर एलियन ऐसा डालो और आगे सेमीकोलन भी डालो, एसटीआर एलियन विच विल कैलकुलेट लेंथ।